इसका एक क्वेश्चन है कि रशिया और यूक्रेन में जो ये चल रहा है विवाद, ये क्या है? जो विच इज इंडिकेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध का क्या है संकेत दे रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच? अगर आप इसको जानना चाहते हो ना, तो आपको जानना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बताता हूँ। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर मैं बात करूँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था आप लोग भली भांति जानते हैं, 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक चला। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करता हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो टीम थी जो आपस में लड़ रही थी। ए की जो पहली टीम थी, ये है एलाइड पावर कह रहे हैं, एलिस पावर कह रहे हैं, एलिस पावर। और जो दूसरी टीम थी वो थी आपकी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर मित्र राष्ट्र, लवरी राष्ट्र बोलते थे। एलिस पावर में कुछ देश थे जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, संयुक्त सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर के अलावा आपका पोलैंड था, पोलैंड के अलावा फ्रांस, फ्रांस के अलावा चाइना था आपका, चाइना, चाइना के अलावा ग्रीस था। जो प्रमुख देश थे वो मैं लिख देता हूँ, ग्रीस, और इसके अलावा इंग्लैंड भी था, इंग्लैंड। ये देश थे जो एलाइज पावर में थे, प्रमुख देश। अगर एक्सिस पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको जर्मनी मिलेगा, जर्मनी, और जर्मनी के साथ था आपका जापान, जापान के और तीसरा देश जो था इनके अलावा वो था इटली, इटली। ये बीटिंग थी, ये एटिंग थी, आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। जो एशिया में युद्ध समाप्त होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो समाप्त होता है जापान के हिरोशिमा पे 7 अगस्त 1945 को जो बम गिराया था। यूएसए ने क्या किया, जापान के 7 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर क्या कर दिया, बम गिरा दिया परमाणु बम। जापान फिर भी नहीं माना, तो इसने क्या किया, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया। अब जापान ने कर दिया सरेंडर। लेकिन इस घटना, हालांकि घटना बहुत गलत थी, बम नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि अभी तक परिणाम भुगत रहा है इस चीज का जो जापान है। अब यहाँ पे जो एलिस पावर है, यहाँ के जो दो देश थे, एक तो यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों में क्या मिल जाता है, विवाद देखने को मिलता है। विवाद देखने को क्यों, इतनी तगड़ी पावर थी, इतनी स्ट्रांग पावर थी तुम्हारे पास, इतनी ज्यादा शक्ति, इतने ऐसे ऐसे वेपन थे और हमको पता तक नहीं था, और हम मित्र भी थे। तो इनको ना पता होने के कारण इनमें क्या मिल जाता है, आपको विवाद मिल जाता है कि ऐसे वेपन थे हमको क्यों नहीं पता लगा, हमारे हमारी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर पाई इस चीज को। तो अब क्या होता है, यूएसए और यूएसएसआर में मन मुटाव शुरू हो जाता है, कहानी शुरू होती है। अब क्या करता है यूएसए, और यहीं पे कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। कोल्ड वॉर, यूएसए यूएसएसआर आपस में एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अभी हम यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, ये 1949 में एक ग्रुप क्रिएट करता है, दैट इज नाटो। नाटो, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर अभी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहां पड़ेगा दोस्तों, बेल्जियम, बेल्जियम में पड़ता है ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर यहाँ है नाटो पर। 1949 में इन्होंने क्या कर दिया था, अमेरिका ने क्या कर दिया था, इसकी स्थापना की थी। इसमें क्या है, 12 कंट्रीज हुई है, 12 कंट्रीज क्या हो गई इसमें। इनका मोटिव क्या था, इनका मोटिव ये था कि अगर हमारे 12 के सदस्यों में से कोई किसी पे भी कोई अदर कंट्री अटैक करती है, तो हम सब एक होकर के उस पर अटैक करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि जो नाटो ग्रुप था, मेनली किसके अगेंस्ट में बनाया गया था, रशिया के अगेंस्ट में बनाया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि यूएसएसआर इसका पार्ट नहीं था। तो ये अभी तो, तभी तो 12 थे, अभी ये 30 हो गए, 30 देश हो गए हैं नाटो के ग्रुप में। अब क्या है, एक और घटना हुई 1991 में, यूएसएसआर का क्या देखने को मिलता है, जो विघटन देखने को मिलता है। 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट है रूस, जिसको हम रशिया कहते हैं। इसके अलावा क्या, इसके दो पड़ोसी देश भी हैं, जैसे कि एस्टोनिया हो गया आपका, एस्टोनिया, एस्टोनिया के अलावा एक होता है आपका लात्विया, लात्विया। एस्टोनिया और लात्विया क्या है, ये रूस के पड़ोसी देश है। और एक तीसरा पोर्शन जिसको हम यूक्रेन कह रहे हैं, ये
ये ऑलरेडी नाटो का पार्ट है, नाटो ग्रुप के क्या है सदस्य हैं एस्टोनिया और लाटविया, और रशिया के अगेंस्ट में ये ग्रुप बना गया, तो रशिया के लिए क्या हो गया, ये थ्रीट हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, खतरा हो गया। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन एक ऐसा देश है जो यूरोपियन कंट्रीज के और रशिया के ठीक बीच में पड़ता है, इसका जो मेजर पोर्शन है वो यूरोपियन कंट्रीज शेयर करती है और कुछ पोर्शन इसका रशिया शेयर करता है। अब दोनों का क्या है, मतलब है कि दोनों इस पर अपना अपना अधिकार शो कर रहे हैं और यूक्रेन यूक्रेन अलग से अपना वो शो करना चाहता है कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। एक्चुअली ये कारण है यहाँ पे पाए जाने वाले एनर्जी रिसोर्सेज, और सबसे हैवी रिसोर्सेज है यहाँ पर फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल रिसोर्सेज काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इस पर अधिकार कौन शो कर रहा है, अपना अधिकार कौन जता रहा है, रशिया। पर ये सप्लाई दे रहा है किसको, यूरोप को, और यूरोप से लेकर के बहुत दूर दूर तक क्या होता है इसकी सप्लाई चली जाती है। अब रशिया कह रहा है कि मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। नाटो में जैसे यूक्रेन शामिल होगा तो अब दैट विल बी द पार्ट ऑफ 30 कंट्रीज का क्या हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा, और अब उसको कोई खतरा नहीं होगा। जैसे यूक्रेन पर रशिया अटैक करता है तो यूक्रेन के साथ 30 देश यूक्रेन के साथ नाटो सदस्य खड़े हैं रशिया पर अटैक करने। अब ये थ्रीट किसके लिए होगी, रशिया के लिए। तो रशिया क्या है, अब फंस चुका है। अब रशिया ने क्या किया है कि हम इसको नाटो में शामिल नहीं होने देंगे, और उसने अमेरिका से क्लियरेंस मांगी है कि आप हमको रिटर्न में दो कि आप इसको उसमें शामिल नहीं करोगे नाटो। तो ये क्या भाई, ये विवाद चल रहा है अभी। अब यूक्रेन चाह रहा है कि हम नाटो में जाएंगे, रशिया नहीं चाहता है, अमेरिका भी सपोर्ट में खड़ा है यूक्रेन के। तो ये विवाद आपस में इन देशों में देखने को मिल रहा है, विच इज द इंडिकेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, श्योरली हो सकता है तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो ये है रशिया और